हरिओं अयमारम्भकर्माय शुभं भवतु शुभं भवतु मंगलं भवतु। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ सर्वलोकैकनाथ जगतकर्ता नारायण अपूर्व चिंता चेतनार दिव्य दिय तांकरी चरण कमलार बिंद जुगल रे शतकोटि प्रणाम ज्ञापन पूर्वक आज समवेत विदग्ध श्रोतृमंडली को ये कार्तिक महात्म्यर पुण्य कथा श्रवण करेला बेले ये कार्तिकर पुण्य प्रभातरे पुण्य सकाळरे आपण मानंको पुणी थरे सेई नारायणंकर कथा आउ सेई वृक्ष तत्व महात्म्यर कथा जो वृक्ष तत्वर कथा को आमे प्रतिपादन करूथिले सेई विष्णु वृक्ष जहाँ ना होची पुराण कहिला बेले पिप्पल आमे हुए तो साधारण भाषा रे अश्वत्थ वृक्ष बा ओस्त गच्छ बोलिकरि कहुचे सेई ओस्त वृक्ष से होचे नारायणंकर वृक्ष आउ सेई ओस्त वृक्ष को मध्य आमे पूजा अर्चना करिचु से ओस्त वृक्ष को मध्य आमे देवतार मान्यता देचु आउ ये कार्तिक मासरे से ओस्त वृक्षर पूजन विधि भी आम पाखे अच्छे से ही विधि को वर्णना करबा को गला बेले पद्मपुराण सुंदर भाव रे वृक्ष स्तुति करिसंते श्रवण करबा होंतु वृक्ष स्तुति स्तुति करिब जड़ी कर बोलिब नम वृक्षेश्वर हे लक्ष्मीकांत सुर तनु त्रिभुजे शंखे चक्र धनु गदा खड्ग तीक्ष्ण सर मुक्त अम्बुज कष्टकर कौस्तुभ जलधर दास अखिल नास ऋषिकेश वृष स्वरूप भक्त बंधु मते उद्धार कृपासे। ये तो महापुराण तेणु ये पुराण भितर सबुतक कथा को आपण मान पाखे रखा गला बेले समय सापेक्ष तेज कियदंश से श्रवण करने को गला बेले रविवार दिन बा जो दिन अर्कवास बोलिकी आम कहूँ बा रविवार दिन ये असतत्थ वृक्ष बा ओस्त गच्छ बा अश्वतत्थ वृक्ष या छुईवा मना कहीं ये रविवार दिन ये वृक्ष जो नारायण वृक्ष या स्पर्श मना तेणु ये एक नियम को पालन करूला बेले आउ गोटे नियम एटे वर्णना कर रात्रि काल जितेबले संध्यार शेष हो जाए संध्या शेष हो गला रात्रि आगमन करे धरापृष्ठ को से रात्रि काल रे ये वृक्ष मूल रे बास करिबा मना यह विज्ञान सम्मत यह पुराण सम्मत तेबे पुराणर परिभाषा जहाँ कहे आसंतु श्रवण करिबा दशरथ काले आवर अक्रबार दीन छुईले हत हुए पूर्ण से कथा कह कुश पानी अम्भ संशय जाऊ सुनी हेमंत मुनि वचने माँ महालक्ष्मी रूपटा केमितिका आम जानी वेदोक्त मंत्री सुवर्ण वर्णा हरिणी सुवर्ण रजतम सजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जा तो वेद माँ बहु लक्ष्मी जो भौणी ये जो अलक्ष्मी यार रूपटा केमिति
ସେଇ ବ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆ ରୂପଟା କେମିତିକା। କହିଲେ ସ୍ଥୁଳସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ରବଣା ରାଜତି ବିଭ୍ରତି ତନୋଃ ବିଭ୍ୟତି ରକ୍ତ ନୟନା ରୂପ ପିଙ୍ଗ ଶିବରାରୁହା। ୟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାସ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାଦେବ ଦାସ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୂପଟା କେମିତିକା ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଋଥୁ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧା ଜନ ବିଶାଳ ହୃଦ କଟି କ୍ଷୀଣ ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଲମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ନେତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଗନ ଦୀପ ଘା ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଝିଙ୍କା ପରାଏ ଦିଶଇ ନାସିକା ଅତି ଓସାର ବେନି ପାଟି ଶ୍ରବଣ ପରିଜନ୍ତେ ଘଟି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଦିଶଇ ଭୟଙ୍କର ମୋଟି। ଏଇଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର କଦାକାର କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ ଆଉ ସେଦିନ ବୈକୁଣ୍ଠାଧୀଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଗତର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ସାଗର ରାଜଦୁଲଣୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ କାହିଁକି ରାତ୍ରିଯାପନ ମନା ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରୁ ଇଏ କାହାଣୀ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେଲେ, ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ଗୋଟାଏ ରୂପ। ସେ ରୂପ କିଏ? ଜଣେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦାଳକ। ସେ ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷିଙ୍କୁ ଏ କନ୍ୟାଟିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଉଦ୍ଦାଳକ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଋଷି, ତାଙ୍କରି ବେକରେ ବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏ କନ୍ୟାଟିକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରି ଏ କନ୍ୟାଟିକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାୟକ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଆଉ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଦାଳକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ମତି ଜଣାଇଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦାଳକ। ବିବାହ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କର ଋଷିଆଶ୍ରମ, ଋଷିଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞକର୍ମ, ସୁନ୍ଦର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ସ୍ଥିତି, ଘୃତର ବାସନା ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଧୂମ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବଟା ଏମିତିକା ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶୁଭ୍ର ପରିବେଶ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାତାବରଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଯେଉଁଠି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୂମ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବେଦଜ୍ଞାନ ବେଦ ଗାୟନ ଏସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କଥା, କଳହ ତାର ପ୍ରିୟ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା ଜାଗା ତାର ପ୍ରିୟ, କଳିତ କରାଳ ଲାଗୁଥିବା ଜାଗା ତାର ପ୍ରିୟ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଯେଉଁଠି ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେଇ ଗୃହଟା ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଏତ ଆଉ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ମନ ବଳଉନି। ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବି, ଏ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ଇଏ ଫେରି ଆସିଛି, ବାହାରି ଆସିଛି ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ। ଆସିଛି ତ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ବସିଛି? ନା ଅଶ୍ୱତତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସ୍ମି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପି ହକ୍ଷଣ ଅବାସ ସ୍ଥାନ ମାଲୋକ୍ୟ ଯାବନ୍ୟାୟଂ ପୁନଃ। ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିକିରି ବିରାଟ ପାଟିରେ ରୋଦନ କରୁଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଏମିତିକା କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଏ କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି। ଉଦ୍ଦାଳକ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉଦ୍ଦାଳକ, ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛି।
उदालक चिंता करथिले बुझै बाझै घर को नै जिवे बोली किंतु ये झियटी सेदिन उदालक को जो प्रकार कथा बतैला बा जो प्रकार स्थान तार प्रिय बोलिकरि कहिला उदालक मने मने चिंता कले बरंच ये बर्जनिया हे जिबा भलो एई चिंता चेतना भितरे उदालक कपट करी चाहू नथिले भी इच्छा नथिले भी कपटर भव्यता नै किछि क्षण भितरे फेरि आसिबि बोली कहि आउ फेरिलेनि उदालक दिनर अवसान हला रात्रि आसिला कन्याटी क्रंदन करिबा को लागिला आहुरी जोर रे क्रंदन कला एते जोर रे क्रंदन कला जे बैकुंठपुर रे प्रभुंकर आसन मध्ये टळिबा को लागिला माँ महालक्ष्मी ठाकुरानी जानी पारिले भौणी कांदुची बोली कौन करिबे गोटे पितार संतान भौणी बोली स्नेह अछि श्रद्धा मध्ये अछि जदि भी ता गुण गुड़ाक अवगुण तथापि मध्ये मनरे श्रद्धा रखी प्रभुंक पाखरे आउ थरे निउछाळी हेले प्रभुंक पाखरे गुहारी जणैले जेमिति हेले ताकु उद्धार कर उद्धार कर उद्धार कर तमरी सृष्टिर जीवटाए तमे सृष्टिकर्ता तेणु तमरी सृष्टिर जीवकु जाई तमे हतादर करिब कौ बाना उड़ेब तमे कौ विजय वैजयंत उड़ब तमर तेणु पतित हेले मध्ये ताकु उद्धार कर प्रभु यही चिंता चेतना भितर आउ पत्नीर जुक्ति को हतादर कर पारि पत्नीर कथा को अमान्य कर पारि प्रभु आसिले केमिते आसिले प्रभु ना गरुड़ पृष्ठ रे आरोहण करी प्रभु आसी आसिकर जत प्रभु पहुँचिले पहुँचला पर कथोपकथन हला प्रभु डाकिले कहला आस प्रभु को देखिकर कन्याटा लुचिला प्रथम तो लुचिला वृक्ष आढ़ुआ लुचिला से आढ़ुआ थी कथबार्ता कला कथबार्ता कला बेले प्रभु डाकिले कहला आस बैकुंठ से स्थान देवी आम घर पाखे छोटिया घर खंडे देवी रही मना कला कहला से जगा गुड़ाक मोर प्रिय नुह जमी उदालक मुनि आश्रम थिला हुए तो बैकुंठ ताटर आहुरी शांत स्निग्ध वातावरण हो जहाँ अनुमान करपे तेणु सेठिक जीवापी मो मन बलुनी तेणु एक कथा को जितेबले कहीदेगी प्रभु आगे परिप्रकाश कर प्रभु मध्य गोटे स्थान दौंती जो स्थान दौंती कार्तिक महात्म्य आपण मान सम्मुखें वर्णना कर गीतरे गीतरे महादेव देशं भाष्य आसतु स्वामी के निंदे बंदी पारे ताहा को न रखे बगारे सही अलक्ष्मीर कथा प्रभु उपस्थित होती अश्वतथ वृक्ष मूल में बसिक रोदन करुची क्रंदन करुची जगाटे मगुच स्थान मगुची आ प्रभु मध्य दयापरवश अनन्य पाय स्थान दे जो जो स्थान दे सुंदर भाव पद्मपुराण वर्णना कर महादेव दास वर्णना कर आसतु श्रवण कर पर निंदुक पर पीड़े इष्ट दर्शने दुखे पड़े अंग सूचि होई थाई जे देव दर्शने जाए स्नान तो चके मो भजने जे भासे रसे कुबचने चंडाले हेब संभाषण जेबे अपत्रे अहादान जे प्रीतिहीन जन संगे तू बसी थी बो तारंगे जूता दि खेल जे तेरस बरस्तिरिंक परियास जाल जलंत बन जोई जंतु विनाश जेते ठाई ताहा जे देखु थिब तो से तू थिबु तार कंध देसे बट अस्तथ बेल लिम्ब धात्री तुलसी च्युत द्रुम हे आदि देव तरु मान जे जन करिब छेदन तू तार अंगे बसिथिबु तहरी भाव ताकु देबु
अत्यंत सुंदर भाव रे वर्णना गोटे बापार दीटा झियो सेई वरुण बा सेई समुद्रंकर राजकन्या समुद्र राजांकर दुईटी झियो जणे लक्ष्मी जणे अलक्ष्मी लक्ष्मींकर वासस्थान कोउठी बा लक्ष्मींकर वासस्थान कोउ जागा रे ना जहाकु प्रमाण करबाकु गला बळे आमे अनेक प्रमाण आपणक सम्मुख रे दैछु तथापि लक्ष्मी कोउठी वासस्थान करंती ना सपूज्य जत्र पूज्यते धान्य जत्र सुसंचिता दाम्पत्य कलह नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता जो परिवार रे दाम्पत्य रे कलह नथिबो जो परिवार रे शांति विराजमान करुथिबो ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठंकर पूज्य पूजार सम्मान थिबो पुणी जोंठी सुसंचित भाव रे खाद्य रहिथिबो सेई जागा रे विराजमान करंती मां महालक्ष्मी ठाकुरानी खाली सेति के नुही मां महालक्ष्मी ठाकुरानीकर स्थान निरूपण करबा को गला बळे पुणी शास्त्र कहे लक्ष्मी बिल्व बने कदम्ब कुसुमे दिव्यांगना कुंजरे चामरे अमुधे अबा पद्म बने शंख मध्ये संस्थिता गोगोष्ठे गोमये राज सिंहासने पद्मानि बसन्ति नरेन्द्र भुवने विष्णु बामांके सदा ये मध्य सब लक्ष्मींकर वासस्थान बिल्व बनरे वास करंती माँ कदम्ब फुलरे वास करंती माँ दिव्यांगना मानंकर कुंजरे अर्थात सुशीला नारी मानंकर खोसारे चूलर खोसारे वास करंती माँ पुणी चामर जो चामर आलट चामर आम पकाउ से चामर रे वास करंती माँ अम्बुधे कहले जलधि भितर बा समुद्र माँकर घर वासस्थान पुणी पद्म बनरे वास करंती माँ शंखरे वास करंती माँ गोगोष्ठरे गोमातार जोठी वासस्थान सेठी मध्य वास करंती माँ गोमयरे गोबर मध्यरे वास करंती माँ पुणी राजसिंहासन रे पद्मानी वास करूथिला बळे नरेन्द्र भुवनरे एवं विष्णुंकर अंगरे सदा सर्वदा गोविंदांग बिहारिणी भावरे माँ बसवास करूथिला बळे देखंतु सेई बापार आउ गोटे झियो अलक्ष्मीर वासस्थान बाछिवाकु गला बळे प्रभु कहुचंती तू कोउठी रहिबु ना जो माने पर निंदुक जो संसार रे सदा सर्वदा कळित कराळ चलिथिबो जोंठी द्युत क्रीडा अर्थात जुआ खेल होथिबो पुणी जोंठी वृक्ष छेदनकारी माने थिबे जो माने वृक्ष काटि नउचंती आज हुए तो सामाजिक वार्ता देला बळे आमे कहुचे जे वृक्ष छेदन करबा मना वृक्षर संरक्षणर वार्ता से वार्ता ये पुराण मध्य देछि वृक्ष छेदनकारी पाखरे रहिबो ये अलक्ष्मी पुणी आउ कोठी रहिबो ना कळहा स्त्री माने जोंठी थिबे से जागा रे बसवास करबो रात्रि रे भूत प्रेत ग्रहण रे अश्वतत्त वृक्ष मूल रे बास करिवो सेति पाई पुराण कहुचे जे अश्वतत्त वृक्ष मूल रे रात्रि जापन मना किंतु विज्ञान कहुचि ये अश्वतत्त वृक्ष दिन बेला प्रचुर अम्लजान दउथला बेले रात्रि रे अंगारकाम्ल गैस बा अंगारकाम्ल बाष्प प्रदान करिथाय सेति पाई अश्वतत्त वृक्षर मूलटा मना आज हुए तो पुराण विज्ञान एक कथा कहुथला बेले केऊ आदिम कालरो आम पुराण एक कथा वर्णना करिछि अश्वतत्थ वृक्ष मूल रात्रि रे मना से हुए तो अलक्ष्मीर कहानी हो भूत प्रेत पिशाचंकर भयर भावना मन भितर पर्यवेसित करई हो जहाँ भी हो आम पुराण एक कथा आमको जणैछि पुणी एक कथा मध्य जणैछि बट पिपल अँला तुलसी एगुड़ी कहउछंती देववृक्ष तेणु ये देववृक्ष को जदि कहीं छेदन करे बा ये देववृक्ष गुड़िक उपर जदि कहीं लोलुप दृष्टि पकाए से मानंक पाखरे मध्य ये अलक्ष्मीर वासस्थान रहिबो तेणु यही भाव में ये वृक्ष संस्कृति को प्रतिपादन करने को जाई आम पुराण मध्य देखी जे आमपाई अम्लजान अत्यंत जरूरी आमपाई ये जंगल ये वृक्ष संस्कृति निहाती भाव में लोड़ा आमपाई निहाती दरकार नित्यांत दरकार ये एक सामाजिक वार्ता जो सामाजिक वार्ता ये कार्तिक महात्म्य पद्म पुराणर अनुस्करण अनुसरण अनुरणन आमको शिखेई आउ सही वार्ता को ज्ञान करी हुए तो आमे माने श्रवण करूथाय कार्तिक महात्म्य आउ ये कार्तिक महात्म्यर कथावस्तु को श्रवण करबा को गला बळे आमे अंततः एतिके सिखिलु प्रथम कथा दर्प दंभ अहंकार आकु सब छाड़ीबा को पड़िबो द्वितीय कथा आमे जल तत्व जानिलु जल आम पाई उपकारी तृतीय कथा
वृक्ष तत्व जानिल वृक्ष आम उपकारी ये पुराण आमको ये सब उपकार बार्ता दौला बेले यही कथार यही कथावस्तु भितर ये पुराण परिशेष परिशेषर मार्ग में पहुँची ये पुराण यू समाप्त मार्ग को जाऊँ से ही समाप्त मार्ग को कार्तिक महात्म्य गला बेले ये कार्तिक मास आपण मानी पुण्यद हौ फलद हौ शुभद हौ कीर्तिद हौ मंगलमय हौ यही कामना भावना नवोन्मादना सहित हरिकथार हरिभाषार कार्यक्रम को शेष पर्याय को गला बेले से ही हरिस्मरण करवा हूँ हरि हरि घोषा पपतपनास शरण सरज पादे एतु बलि भाबा आउ न मिलिबा न मिलन्ति हरि वेद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि एठु कार्तिक महात्म्य समाप्त हेले